हरे कृष्णा। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। देखिए, भगवान ने इस वर्ड को बार बार यूज किया भगवद गीता में, सततम। क्या बोले? सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा गुणगान कर, मेरी चर्चा कर, मेरे विषय में सुन। क्योंकि कीर्तन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक बोलना एक सुनना। तो जब आप सुनते हो तो भी कीर्तन कर रहे हो, बोल रहे हो तो भी कीर्तन कर, बिकॉज इट इज अ पार्ट है ना। परंतु एब्सोल्यूट के अंदर अगर समझना चाहो, एब्सोल्यूट के अंदर पार्ट क्या होता है? वन पार्ट इज एब्सोल्यूट और द सेकंड पार्ट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट। पूर्ण है ना। पूर्ण में मतलब क्या है? पूर्ण में हिस्से हैं भी और वो हिस्से भी पूर्ण है, जब तो पूर्णता होगी ना प्रभु जी। हम लोग मटेरियल वर्ल्ड के अंदर देखते ही नहीं है चीज को। कैमरा का लेंस जो है वो लेंस है और कैमरा अलग है उसकी बॉडी। अब लेंस से आप कैमरा का काम कर सकते हो सिर्फ? नहीं, जब तक दोनों को जोड़ोगे नहीं। परंतु यहां क्या है, आध्यात्मिक भक्ति के अंदर, आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या है? श्रवण किया तो कीर्तन हो गया, कीर्तन किया मतलब बोला तो कीर्तन हो गया, बिकॉज दोनों पार्ट नहीं है वो, दैट इज कंप्लीट। दैट्स व्हाई नव वेदा भक्ति के अंदर कोई भी पार्ट करो, दे आर पार्ट ऑल्सो एंड दे आर कंप्लीट ऑल्सो। समझ में आ गया? तो कई बार लोग कहते हैं कौन सा करना चाहिए नौ में, अरे कोई भी कर ले, सब पूर्ण है। क्योंकि वो किसका हिस्सा है? पूर्ण का हिस्सा है। समझ में आ रहा है भैया? ये है पूर्णता का अर्थ। ये किसका अर्थ है? पूर्णता का अर्थ है। जब भी नौ वेदा भक्ति में कोई भी चीज कर लो, इट इज नॉट लाइक द मटीरियल वर्ल्ड के पार्ट्स हैं, जब तक उनको सबको कंप्लीट नहीं किया जाए तब तो वो पूर्ण नहीं होते, ठीक है ना।